नमस्कार आप सबको, हम हैं आप सबकी अपनी चिकमिक। अब सुनाती हूँ आपको एक काम की बात, जरा ध्यान दीजिएगा। आप गर्भ निरोधक गोली खा लो या फिर कॉन्डोम को अपना लो, चाहे कॉपर्टी लगवा लो या फिर नसबंदी करवा लो, परिवार नियोजन के कई हैं तरीके। भैया जो भी चाहे वो अपना लो। हे चिकमिक, ये क्या कविता पढ़ रही हो, थोड़ा बताओ भी ये सब का मतलब क्या है? गजबे, सब कुछ स्मार्ट हो गया लेकिन ये जो आकाशवाणी है ना, वो स्मार्ट नहीं हुआ है। खैर, इसको भी जल्दी स्मार्ट बनाती हूँ। तो आज का एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि परिवार नियोजन के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पति पत्नी की आपसी सहमति। बुझे, तो आइए सुनते हैं। अरे आने वाले साल का सलाम, नए साल का। अरे सुधा, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया साल नया उत्सव और नया मेहमान। देखो तो कितनी सुंदर लग रही है गुड़िया। आपको भी नया साल मुबारक हो। अच्छा, मैंने तो अपनी गुड़िया का नाम भी सोच लिया है और उसको कहाँ पढ़ाना है ये भी सोचा है। अरे कुछ बोलो तो सही, क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं। लगता है नए साल में अपने और गुड़िया के लिए कुछ नया करने का संकल्प कर रही हो, तभी इतने सोच विचार में लगी हो, क्यों? सुनो जी, मैं सोच रही थी कि इस साल कुछ ऐसा संकल्प ले जिससे हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे। अच्छा, ऐसा क्या सोचा है तुमने? यही कि हम अपनी मुन्नी के बाद अगला बच्चा जल्दी नहीं करेंगे, पहले इसी को पूरा समय देंगे, फिर अगर लगेगा कि हमें एक और बच्चा करना चाहिए तो हम उसे इस दुनिया में लाएंगे। बिल्कुल सही सोच रही हो सुधा, परिवार नियोजन सिर्फ तुम्हारी ही जिम्मेदारी नहीं है पगली, मेरी भी है। मैंने मुन्नी के नाम के साथ कुछ और भी सोच रखा है। अच्छा, क्या सोच रखा है जी? यही कि हमारे इस बच्चे और अगले बच्चे के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर होगा। अच्छा जी, मुझसे पूछे बिना ही सोच लिया? ओहो सुधा, ये तो मैंने सिर्फ एक बात कही है, आखिरी फैसला तो हम दोनों की सहमति से ही होगा ना। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, अब ज्यादा सोच विचार में मत पड़ो, अब मुझे मुन्नी के साथ खेलने दो। ले 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 ले, अपने पापा के साथ खेलेगी गुड़िया। अच्छा, तो ये सब पता करने सहिया दीदी के पास कब चले? वो सब मैंने पता कर लिया है सुधा। सच? हाँ, सहिया दीदी बता रही थी कि पहला बच्चा होने के बाद अब परिवार नियोजन के बारे में सोचना शुरू कर दो। अच्छा? हाँ, उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद परिवार नियोजन के लिए तुम्हें गर्भ निरोधक जैसे कि छाया या पीओपी की गोली लेनी होगी। अच्छा, इनसे क्या फायदा है? ये गर्भ निरोधक खास तौर से नई माँ बनी महिलाओं के लिए होती है, क्योंकि इनको खाने से माँ के दूध पे कोई असर नहीं पड़ता। अरे वाह, और इसके साथ ही तुम परिवार नियोजन के लिए कॉन्डम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल सुधा। मुझे पड़ोस की दीदी किसी कॉपर्टी के बारे में बता रही थी। सुधा, सहिया दीदी ने भी बताया कि बहुत तरीके हैं परिवार नियोजन के और हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। कॉपर्टी भी परिवार नियोजन का एक तरीका है जो लंबे समय तक के लिए लगाया जाता है और इसे जब चाहे लगवा सकते हैं। लंबे समय का मतलब? मतलब ये कि 5 या 10 साल तक भी इससे बच्चों में अंतर रख सकते हैं और जब हमें अगला बच्चा चाहिए तो उस समय इसे निकलवा देंगे। अरे वाह, लगता है परिवार नियोजन अब हम दोनों का हम सफर बन गया है। वो कैसे? क्योंकि हम दोनों की जिंदगी के साथ साथ ये भी हमारे साथ चलेगा। बिल्कुल। गजब, तो सुने ना, जोड़ी वही होती है जो साथ मिलकर निर्णय ले, चाहे वो परिवार नियोजन से जुड़ा हो या फिर बच्चों की देखभाल का। धन्यवाद।